फ्रेंड्स, आपका स्वागत है जर्नी मैन के इस नए व्लॉग में। आज मैं हरिद्वार से आया हूँ, द्वारहाट रानीखेत, और यहाँ मैं आया हूँ अपूर्वा होटल में। यहाँ हमें मिले हैं उपलेती जी। चलिए जानते हैं उपलेती जी की लाइफ में बारे में कुछ। ये अपूर्वा होटल का रिसेप्शन का ऑफिसर, और ये हैं हमारे आज के उपलेती जी। आप यहाँ बैठ सकते हैं थोड़ा। हाँ जी, हाँ तो जी। ये हैं उपलेती जी। तो आज जानते हैं हम एक ऐसे आदमी के बारे में जो होटल और रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, और इस काम में जो जो उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कस्टमर आते हैं। तो जानते हैं, चलिए हम उपेदी जी से जानते हैं। नमस्कार उपेदी जी। हाँ जी भाई साहब, ऐसा है ना, होटल का जो है रीजन बहुत बड़ा होता है, कम नहीं होता है। कस्टमर आता है, बढ़िया भी आता है, बढ़िया बंदा आता है, उससे वैसे ही बोलना पड़ता है, चालना पड़ता है। कोई इंग्लिश टॉकिंग करता है, कोई कहता है कि कोई हिंदी भी, पहाड़ी भी आते हैं, कोई नेपाली भी आता है, कोई बिहारी भी आते हैं, लेकिन ऐसा है कि उनके साथ ऐसे ही रहना पड़ता है, तो चल करके उपेंद्र नहीं। जी, आपको इस लाइन में कितने साल हो गए हैं? मेरे को इस समय 10 साल से ऊपर ही हो गया है, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो क्योंकि चुका है पहले आपको। मैं पंजाब का खाना खजाना नाम से, फूड पॉइंट नाम से होटल ज़्यादा था, सरदार जी से कोई, वहां आपको कितने साल हो गए थे? अच्छा, वहाँ मेरे को 5 साल हो गए थे। उसके बाद आप ये लॉकडाउन में आए 5 साल होंगे। लॉकडाउन में जब ऐसी स्थिति हुई, तो उसके बाद मैं यहाँ उत्तराखंड आ गया। अच्छा, उत्तराखंड में आपका घर है हाँ, यहाँ? उत्तराखंड में मेरा घर है, द्वाराड़ से आगे कम से कम 20-25 किलोमीटर आगे है, आपके गांव का नाम क्या है? नागार्जुन। अच्छा, नागार्जुन आपके गांव का नागार्जुन से नाम। आगे सुरेखित पड़ता है हमारा मेन स्टेशन। तो आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कौन कौन है? चार चार 2 बच्चे हैं मेरे, 2 मियाँ बीवी हमें। अच्छा, 4 लोग हो गए आप। हाँ, 4 लोग हम दो, हैं हमारे दो के। हम, दो हम लोग आए। ऐसा है कि अब ये क्या करें, पेट पालने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। होटल लाइन में जैसे काम हमारे शुरू से ही काम है, जैसे मैं अपने होश वास का हुआ, 18 साल के बाद हमने काम करना स्टार्ट किया, 18 साल के बाद। तो आपकी जब मैं पहले उम्र, द्वारा में मेरा उपलब्धि नाम से मेरा होटल था, पूरी मार्केट में वहाँ पर उपलब्धि नाम का होटल था, ढाबा ही कहते हैं उसको, होटल तो अब ऐसी होटल बढ़िया होटल नहीं था, तो ढाबा ही था, लेकिन लोगों का बहुत कस्टमर आते थे। उस टाइम माहौल भी बढ़िया और था, आज का माहौल बहुत फर्क है। ऐसा है कि होटल लाइन की भाषा में ऐसी बातें हैं, तो अब हम इस होटल लाइन में घुसे हैं कि इसमें क्या टक्कर खानी पड़ती है वो हमको ही पता है। अच्छा उपेती जी, मैं जानता हूँ कि होटल लाइन में आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, या क्या क्या चीज़ें अच्छी होती हैं। मतलब आपकी जो दिनचर्या रहती है वो किस टाइप की रहती है? दिनचर्या तो बहुत बढ़िया रहती है, एक ही बात है कि जो ऐसा है कि जो लोग रूम में आ जाते हैं, कभी ऐसा कोई बदतमीजी काम करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, तो उसमें ज़्यादा रोस आ जाता है हमको भी, लेकिन क्या करें, रोस आता है लेकिन हम बर्दाश्त कर लेते हैं उस चीज़ को। लेकिन आप चलते भी उसी चाल में ना, जैसे अतिथि देवो भव, हाँ, बस वही वही बस वही जो आएंगे वही उनका चीज़ है, स्वागत है। बस वही चीज़ है। नॉर्मल नहीं आएंगे तो हमारा काम खराब हो जाएगा, हम भी चढ़ जाएंगे, कस्टमर भी चढ़ मतलब इस जाएंगे, लाइन में हर टाइप का आदमी आता है बस यहाँ। बस हर टाइप का आदमी आएगा, एक जैसा तो जैसे आप रूम में सर्विस देते हैं, तो कभी ऐसा तो नहीं आया कोई कस्टमर कि आप सर्विस कर भी रहे हैं उसके बाद भी वो आपसे गुस्सा हो रहा है, आपकी कंप्लेंट कर रहा नहीं हो? नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, खुश होके जाता है, जो भी है खुश होके जाता है, भाई साहब धन्यवाद करके ओके करके जाता है, यहाँ पर गेट से बाहर निकलता है, बोलता है भाई साहब थैंक यू। अच्छा, तो आप हमें अपना, ये आपका जो होटल है किस नाम से है यहाँ पर? अभी हमारा ये है कैंडी नाम से, कैंडी रेस्टोरेंट। कैंडी रेस्टोरेंट जो है अपूर्वा, अच्छा, अपूर्वा हमारा ऑफिस है अभी फिलहाल, अपूर्वा होटल एंड कैंडी होटल तो रेस्टोरेंट। है वैसे, होटल हमारा भी रेंट अपूर्वा पर। होटल एंड कैंडी रेस्टोरेंट नाम है हाँ इसका। अच्छा, तो आप हमें, हमारे दर्शकों को इसका एक टूर दिखा सकते हैं, होटल का और रेस्टोरेंट का? बिल्कुल दिखाएंगे, किचन चलें फिर। पहले हम रेस्टोरेंट दिखाएंगे, उसके बाद हम तुमको दिखाएंगे किचन, किचन ठीक है जी, में क्या क्या आइटम बनते हैं। ठीक है जी। आइए, ये हमारा रेस्टोरेंट है, वहाँ बादशाह बैठे, मैडम बैठे, एक काउंटर है हमारा, रिसेप्शन का देखो काउंटर ही लगा लो, काउंटर है हमारा, यहाँ डिनर करते हैं, बाकी लोकेशन देख लिया आपने, लोकेशन कैसी है, आप आइए किचन में, किचन दिखाते हैं आपको, किचन में क्या क्या आइटम बनते हैं, आइए भाई साहब, ये देखो हमारे कारीगर लगे हुए हैं सारे।
हमारे सीनियर साथ ये सीनियर से मतलब 10-15 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, काम बढ़िया से करते हैं। फिर टॉप की चीजें बनाते हैं। ये क्या बना रहे हैं अभी? जाता है ये क्या बना रहे हैं अभी? अभी ये बना रहे हैं काली मिर्च चिकन बना रहे हैं। ये काली मिर्च चिकन, ये कोई ऑर्डर आया है या क्या है? क्योंकि देखने में इसकी क्वांटिटी बहुत सारी दिख रही है। अच्छा शाम को पार्टी है यहाँ। अच्छा आपका नाम क्या है उस्ताद जी? रंजीत त्रिकोटी। और आपका नाम? चलिए उपरेती जी, मैं आ रहा हूँ आपके पीछे पीछे। लाइट खोल दीजिए रूम के। ये हमारा कमरा है, ये बाथरूम है। देखोगे इधर बालकोनी भी है, बालकोनी बहुत बढ़िया हमारी बाहर का लोकेशन भी बहुत बढ़िया आएगा। देखिए हमारे को ये देखिए जी, वही गेस्ट आता है खुश होकर आता है यहाँ से अपूर्वा होटल में। और प्रीति सीनरी तो बहुत अच्छी है यहाँ की। सीन तो स्टैंडर्ड है, ये द्वारा इलाका है भाई। कैसी हरियाली महसूस हो रही है? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सर, अब दूसरे वाले रूम चलते हैं। चलिए आइए सर। ये रूम नंबर 4 है, ये रूम है। इसमें 3 मेंबर्स हो सकते हैं आराम से। एक बंदा इसमें, अच्छा ये एक्स्ट्रा काउच आपने दिया हुआ है इसमें। ये देखो बाहर का भी दृश्य हो रहा है, बाहर की बाहर से अंदर को महसूस होता है। फिर सीनरी तो बहुत अच्छी आ रही है यहाँ आजकल, इतना प्यारा मौसम हो रखा है। अरे सावन का महीना है ना, सावन के महीने में ऐसे ही आना है। पूरे बादल नीचे आए हुए हैं, तो देखेगा खुश हो जाएगा। फिर बादल छाया है, मौसम भी धूप धाप अभी कम आया, पूरी मार्केट और टावर भी यहाँ को मार करते हैं। आइए आप हम चलते तुमको अपनी गली की तरफ। गली हमारी कौन सी है, कौन सा रास्ता हमारा कहाँ जाता है ये दिखा दो। हाँ होटल की तरफ जा रहे हैं, रेस्टोरेंट। यहाँ पर हमारा रेस्टोरेंट, खाने पीने को जो गेस्ट आता है खाने पीना खा के जाएगा।